हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BEML की तरफ से एक नई वैकेंसी सही है उसके बारे में। यहाँ पर BE BTECH वाले अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोस्तों, ना ही आपके लिए यहाँ पर गेट का स्कोर कार्ड मांगा है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर और कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी एक परमानेंट जॉब है, तो आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल के आई है आप सभी के लिए, तो आपको इसमें जरूर से अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकल के आई है वो BEML की तरफ से निकल के आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी पोस्ट होने वाली है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की होने वाली है, जिसमें यदि आपने बी बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि 70% आपके मार्क्स उसमें होना चाहिए। यहाँ पर आपकी जो बेसिक सैलरी होने वाली है वो 40,000 से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर आपकी अपर एज 25 ईयर्स रखी गई है। बाकी आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है, जिस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SC ST के लिए 30 ईयर्स रखा गया है और यहाँ पर OBC वालों के लिए 28 ईयर्स का मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पहले आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होने वाली है, उसके बाद जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे आपकी ट्रेनिंग को, उसके बाद आपका होने वाला है यहाँ पर ऑफिसर की पोस्ट पर प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपका 3% के साथ इंक्रीमेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये परमानेंट जॉब है, आपको इसमें जरूर से अप्लाई करना चाहिए। आपको यहाँ पर सर्विस बोर्ड भरना पड़ेगा और बेसिक पे जो आपको मैंने बताई है वो 40,000 से स्टार्ट होने वाली है और मैक्सिमम सैलरी आपके यहाँ पर 1,40,000 होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपके पास है वो 30 मार्च के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। जो ये इनका जो कैलकुलेशन रहेगा दोस्तों वो 30 मार्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाला है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें और भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि दोस्तों कि जिस हिसाब से इनके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसी के आधार पर ये सिलेक्ट करेंगे कि आपका रिटर्न टेस्ट होगा या आपका यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। तो आपको ये मेल के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको एनक्लोज करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं या आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट या मेल करके पूछ सकते हैं। यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 500 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सभी चीजें यहाँ पर बता दी है। यदि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो सभी की लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप एक बार जाकर जरूर चेकआउट करें। और उसमें एलिजिबल रहते हैं तो आप अप्लाई जरूर से कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपका वहां पर जो भी डाउट है, जो भी क्योरी है, वो मैं उस वीडियो के माध्यम से आपको रिजोल्व कर सकूं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। यदि आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।